सलमान खान ने कैसे गूगल ट्रेंड में बनाया रिकॉर्ड, कैसे बदल दी सलमान खान अपने दम पर बाजी। इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान से जुड़ी यही डिटेल। सलमान खान का नाम गूगल ट्रेंड में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, फिर चाहे उनकी मूवी आने वाली हो या रिलीज हो चुकी हो। सलमान का नाम सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर छा जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान के साथ ऐसा ही हुआ, जहां सलमान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इंडिया के हर कोने में उन्हें लेकर डिस्कशन हुआ। सलमान के बारे में जितना महाराष्ट्र के लोगों ने जानने की कोशिश की, दिल्ली में भी वो उतना ही हॉट टॉपिक बने। अरुणाचल प्रदेश में भी सलमान से जुड़ी अपडेट ली गई। झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी सलमान खान को लेकर सरगर्मियां रहीं। एक तरह से कहें तो हर किसी की जुबान पर सलमान छाए रही। सलमान के गूगल ट्रेंड पर टॉप में रहने की वजह कुछ बातें बनी। सलमान का मूवी को लेकर स्टैंड क्या रहेगा और किस तरह की मूवी कंप्लीट होगी, ये हर किसी ने जाना। सलमान की सुरक्षा से जुड़ी अपडेट्स जानने की दिलचस्पी हर किसी के अंदर दिखी। सलमान और लॉरेंस के बीच दुश्मनी क्या है और कहां तक जाएगी, ये भी समझने की कोशिश की गई। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती और उनकी तस्वीरों की हिस्ट्री जानने की जिज्ञासा दिखी। सलमान को धमकी देने वालों पर क्या एक्शन हो रहा है, ये भी उनकी ट्रेंडिंग का पार्ट रहा। सलमान खान की फैमिली का इस पर क्या रिएक्शन है, इसके बारे में भी लोगों ने जानना चाहा। एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ती चली गईं और इस तरह सलमान खान ट्रेंड होने लगे। गौर करने वाली बात यह है कि सलमान खान ने इस दौरान पब्लिकली कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। सलमान खान अगर ट्रेंड करते हैं तो इसके पीछे उनके फैन तो होते ही हैं। सलमान के कुछ स्टेप्स भी होते हैं जिनके बहुत मायने निकाले जाते हैं। सलमान खान ने बिग बॉस की शूटिंग की, सिंगम अगैन में कैमियो को पूरा शूट किया और सिकंदर को उसी तरह बेधड़क पूरा करने लगे। इन सबके अलावा सलमान अपने विदेशी टूर का प्लान ले आए और यही उनके ट्रेंड होने की वजह भी बना। सलमान खान ने फैंस को मैसेज दिया कि आप निश्चिंत रहिए, सिकंदर मस्त है, और धमकाने वालों को समझाया कि सपने में भी सलमान के आसपास नहीं भटक जाना। यही वजह कि सलमान के बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव आया। किसी ने भी सलमान के साथ हुए घटनाक्रम को ठीक नहीं माना। इस दौरान सलमान का दूसरी सेलिब्रिटी से कंपेयर हुआ तो हर कोई पीछे छूट गया। सलमान की दिलेरी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जान का जोखिम होते हुए सलमान घर से बाहर निकले और शूटिंग सेट तक पहुंचे। सलमान खान जब ट्रेंड में आते हैं तो बहुत लोगों को जलन होती है। ये फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े लोग होते हैं और सलमान को पसंद नहीं करने वाले भी होते हैं। इच्छुड़ इसलिए नहीं होती कि सलमान खान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि टेंशन ये ज्यादा रहती है कि सलमान की मूवी को कहीं फायदा तो नहीं मिल जाएगा। सलमान खान के बारे में बहुत कुछ निगेटिव लिखने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन्हें ट्रेंड कराने वाले अपने ही अंदाज में रिप्लाई करते हैं। सलमान भी इस पूरे मामले को अपने अंदाज में हैंडल करते हैं। दोस्तों, सलमान खान का ट्रेंड होना किस बात का इशारा करता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।